सब्सक्राइब योर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि दोस्तों झारखंड बोर्ड के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कि ये क्या हो रहा है कि सेट थ्री बच्चों आपका जारी तो हो चुका है दोस्तों, ठीक है। बच्चों को मैथ्स का बच्चों में सोल्यूशन वीडियो में दोस्तों करूँगा पूरा दोस्तों, ठीक है। बच्चे क्लास आपका 10 दोस्तों है, ठीक है। पूर्णांक बच्चों आपका 90 दोस्तों एग्जाम है, ठीक है बच्चों, समझे गए। टोटल क्वेश्चन बच्चों आपका 49 क्वेश्चन, टोटल टाइमिंग बच्चों आपको मिलेगा 3 घंटा टाइमिंग बच्चों मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अभी सोल्यूशन दोस्तों करने वाला हूँ सेक्शन दोस्तों ये है, समझे मुझे। सेक्शन ये का दोस्तों पहला खंड आने के खंड ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का मैं वीडियो में सोल्यूशन दोस्तों करूँगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है दोस्तों, ठीक है। बच्चे 156 का क्या करना है दोस्तों, हमको अभाज्य गुणनखंड दोस्तों निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों उठाइए, ठीक है। 156 से लिखने के बाद क्या करना है, इसको 2 से इसको डिवाइड करना, ठीक है। 2 से डिवाइड कैसे कर देते हैं, 7 दुनिया 14 हो जाएगा और 8 दुनिया 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर चलेंगे 2 से दोस्तों, ठीक है। 3 दुनिया 100 हो गया 6 और 9 दुनिया 100 हो गया आपका 18 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर देंगे हम लोग 3 से, ठीक है। 3 का 3, 3 दिया 9 दोस्तों। फिर इसको आपको देंगे 1300, ठीक है। 13 का 13 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे आपका देखिए यह हो गया अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, आप यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है। कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों क्या कर, 2 बच्चों 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि 2 बच्चों 2 बार लिखा हुआ है, क्या करना पड़ेगा, 2 का हमको पावर सो करना पड़ेगा, गुना सो 3 हो जाएगा, गुना सो 13 का 13 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जहाँ पर जिस तरह आपको दिख रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, उसके क्या बच्चों आपका वही तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। समझे कहना, यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन जो जो भी दोस्तों होगा पहला दोस्तों जो भी आप उसको मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा दोस्तों, ठीक है। किस बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या लिखिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बोला कि आपको देखिए ये बच्चों आपको जो है दोस्तों ग्राफ दोस्तों दिख रहा है, बच्चों ये जो ग्राफ दोस्तों लाइन दोस्तों दिख रहा है आपको, ये आपको ये एक्स जो है पी एक्स का ग्राफ दोस्तों, ठीक है। बच्चों ये जो देख रहे हैं बच्चों आपको ये है पी वाई का ग्राफ दोस्तों, ठीक है समझे कि नहीं। तो बच्चों को एग्जाम देखो यहाँ पूछ रहा दोस्तों कि पी एक्स का शून्यांक निकला दोस्तों, ठीक है। देखिए जो एक्स को कितना बार इस ग्राफ दोस्तों टच किया दोस्तों, ठीक है। एक्स को दोस्तों जो है 2 बार टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार दोस्तों यहाँ पर टच किया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसका हो जाएगा शून्यांकों की संख्या दोस्तों 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इस तरह हम लोग कि शून्यांकों की संख्या दोस्तों कितना दोस्तों हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। मैं कौन दीर्घा समीकरण नहीं दोस्तों, मुझे देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा जो दीर्घा समीकरण दोस्तों नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो पहला आपसे ऑप्शन दे दिया तो एक्स प्लस 2 का हॉल की बराबर 2x ब्रैकेट से स्क्वायर माइनस 1 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इसको क्या करना है, सोल्यूशन दोस्तों करूँगा दोस्तों। अगर ये दीर्घा समीकरण दोस्तों होगा तो बच्चों इस फॉर्म में रहेगा, समझिए ए एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों रहेगा बी एक्स प्लस दोस्तों सी एक्स बराबर दोस्तों 0। बच्चों इस फॉर्म में अगर मिल गया दोस्तों सोल्यूशन करने दोस्तों, तो बच्चों दीर्घा समीकरण होगा। अगर उसको नहीं होगा दोस्तों, दीर्घा समीकरण दोस्तों नहीं होगा, तुमको यहाँ पर नहीं भी हमको फाइंड भी करना है, ठीक है। चलो दोस्तों इसको पहले सोल्यूशन दोस्तों करता हूँ, ठीक है। क्या करें फिर समझ दोस्तों कि इसको ए प्लस बी का हॉल की मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो जो क्या करें, इसका मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साइड में यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई का जो हॉल की उसको क्या होता है, तो होता है एक्स क्यू होता है प्लस दोस्तों हो गया 3x स्क्वायर वाई प्लस दोस्तों हो गया 3x वाई स्क्वायर दोस्तों प्लस दोस्तों हो गया वाई का क्यू दोस्तों, ठीक है। बच्चे आपका हो गया दीर्घा समीकरण का बच्चों इसका सूत्र दोस्तों, ठीक है। क्या बच्चों समझिए कि एक्स का बच्चों जहाँ पर जो एक्स लिखा होता है वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स से लिखना है, ठीक है बच्चों। जहाँ से लिखा हो रहा है वाई, वहाँ बच्चों आपको क्या करना है, 2 को जगह बच्चों वाई लिखना है दोस्तों, समझे कि ना। जहाँ बच्चा वाई तो वहाँ कैसे आपको 2 लिखना है, समझे कि ना बच्चों। देखिए अब इस प्रॉब्लम क्या करें, इसको पूरा सी प्रॉब्लम को सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए सेट सेट करता हूँ कि एक्स का देखा तो क्या है, एक्स बच्चों एक्स लिख देना पड़ेगा, एक्स की हो जाएगा प्लस दोस्तों हो जाएगा 3 का 3 लिखना पड़ेगा दोस्तों, गुना चिन्ह पे लिखेंगे। फिर तो एक्स की जगह क्या लिखा दोस्तों, एक्स की जगह पे आपका एक्स ही दोस्तों, एक्स लिखेंगे एक्स का स्क्वायर गुना हो जाएगा वाई दोस्तों, वाई की जगह दोस्तों क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा था, 2 लिखना है प्लस दोस्तों हो जाएगा 3 गुना तो एक्स की जगह दोस्तों क्या लिखा हुआ, एक्स तो एक्स ही लिखा हुआ, एक्स तो लिखेंगे फिर गुना चाहिए दोस्तों, फिर वाई दोस्तों क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ, तो क्या लिखा दोस्तों आपको 2 के पावर तो वाई लिखना दोस्तों, ठीक है। प्लस तो क्या करना पड़ेगा, प्लस देना दोस्तों, ठीक है। वाई की जगह दोस्तों क्या लिखा दोस्तों आपको 2, तो बच्चों क्या करना है आपको 2 लिखना पड़ेगा, घा ऊपर से कितना पावर से देखिए 3 दोस्तों, तो क्या करना उसको इसको पावर का बच्चों 3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या इसको बराबर तो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है। जो क्या इससे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट क्या होगा टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या जाएगा 2x क्यू दोस्तों जाएगा, समझेंगे ना। बच्चे क्यू क्यों होगा समझिए दोस्तों कि x और 2x बच्चों कितना जाएगा 3x दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो क्या जाएगा आपका, तो 2x गुना करेंगे 1 से कितना हो जाएगा, तो माइनस 2x दोस्तों हो जाएगा, समझेंगे ना। बच्चों क्या कह रहे हैं बच्चों समझिए, सबको जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई जहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है हम लोग।
एक्स क्यू को जो एक्स क्यू लिखेंगे प्लस दोस्तों 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 बच्चों 12 हो जाएगा। तो 12x प्लस दोस्तों हो गया 2 का घात 3, तो कितना सो हो गया आपका 2 का घात 3 बच्चों यानी कि 8 दोस्तों होता है बच्चों, ठीक है यानी कि 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है बराबर। तो कितना हो गया 2x³ - 2x दोस्तों, ठीक है बच्चों आगे समझिए क्या करना आपको। सो बच्चों ये सब सबको इधर ले आना, ठीक है आपको चलिए ले आते हैं 3x³, इसको बच्चे इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -2x³ दोस्तों हो जाएगा, प्लस दोस्तों हो जाएगा आपका 3x² प्लस दोस्तों हो जाएगा 12x। बच्चों इसी भी क्या करेंगे इधर ले आते हैं तो क्या करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x दोस्तों, प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 8 का 8 दोस्तों बराबर, तो इधर तो बचेगा 0 समझे कि नहीं। दोस्तों चलते हैं आगे, देखिए दोस्तों क्या करना कि 3x² -2x³ दोस्तों घट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा माइनस तो बचेगा आपको यहाँ पर एक्स का पावर दोस्तों 3 बचेगा समझे कि नहीं, प्लस का तो प्लस लिखेंगे 6 का 6x² तो प्लस दोस्तों हो जाएगा 12 200 कितना हो जाएगा आपका 12 200 हो जाएगा 14x दोस्तों, प्लस दोस्तों हो जाएगा 8 बराबर दोस्तों 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपका कि ये एक्स के पावर से 3 आ गया दोस्तों, ठीक है मुझे दीर्घ समीकरण दोस्तों ये नहीं दोस्तों है, तो बच्चों यही आपका बच्चों ऑप्शन आपका सही बच्चों हो जाएगा ए नंबर दोस्तों समझे गए, तो बच्चे ए को जाकर ऑप्शन सही बच्चे मार लीजिए। चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है समझे दोस्तों क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि आपका कि कॉस 84° -sin 42° का मान क्या होगा दोस्तों, ठीक है यानी कि उसको बोला गया कि कॉस 48° का मान और साइन 42° का मान दोस्तों क्या होता है बच्चों समझे गए ना। दोस्तों क्या करेंगे एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है फिर कॉस का 48° -sin 42° दोस्तों, ठीक है बच्चे आपके क्वेश्चन को उतार लेंगे एक बार, ठीक है दोस्तों समझे दोस्तों कि आपको लिखना है यहाँ पर है कॉस बच्चों क्या करना है कि 90 माइनस दोस्तों लिखना आपको है कि बच्चों कितना घटाएंगे मुझे यहाँ बच्चों कि आपका 42 बचेगा समझे कि नहीं, तो क्या करें हम लोग 48 को दोस्तों यहाँ पर घटा देते हैं, ठीक है तो सोचा हम लोग 90 घटे घटाएंगे 48 को बच्चों आपका 42 दोस्तों बच जाएगा, ठीक है दोस्तों माइनस हो जाएगा साइन 42° दोस्तों, ठीक है तो जानते दोस्तों जानते हैं दोस्तों सूत्र दोस्तों कि आपका कॉस 90 - थीटा से बराबर दोस्तों क्या होता है आपका कि साइन थीटा तो होता है समझे कि नहीं, तो बच्चे सूत्र से आपको यहाँ से मिल जाएगा इस तरह हो जाएगा यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा साइन, ठीक है साइन बच्चों हो जाएगा आपका 48° दोस्तों, ठीक है तो माइनस हो गया सॉरी दोस्तों साइन हो जाएगा आपका 42 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सॉरी 42 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 48 से यहाँ 42 दोस्तों हो जाएगा समझे कि नहीं, तो बच्चे आपको 48 बचना चाहिए समझे दोस्तों, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर हो जाएगा 42 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी आपको 42 होगा, ठीक है तो माइनस की जगह साइन 42 डिग्री तो जो क्या होगा दोनों ये सब दोनों आपस में से कट जाएंगे, ठीक है तो क्या बचेगा तो 0 बचेगा, तो बच्चों जहाँ पर आपको 0 दिख रहा है बच्चों उसको आप सही बच्चे ऑप्शन मार लीजिए दोस्तों, ठीक है बच्चे मैं इसका लिंक दोस्तों जो PDF का जो डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों चेक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है सारे बच्चों में सोल्यूशन वीडियो में दे रहा हूँ दोस्तों, तो बच्चों आप जिसके में होगा आपसे 0 से मार लीजिएगा, ठीक है देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या समझे दोस्तों बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 19/3 के लिए सर्वांतर बताइए, सर्वांतर बच्चों यानी कि डी पूछ रहा है दोस्तों, ठीक देखिए दोस्तों पहला पद दोस्तों के लिए इसको बोलते हैं प्रथम पद दोस्तों वो ए वन सब बराबर सब मान लीजिए हम लोग 1/3 दोस्तों, ठीक है फिर दोस्तों क्या बोला गया कि ए टू दोस्तों क्या होता है आपको हो जाएगा कि 5/3 दोस्तों यानी कि 5/3 दोस्तों हो जाएगा, ठीक तो दोस्तों पूछा गया आपको सर्वांतर, तो सर्वांतर निकालना आपको यानी कि डी निकालना दोस्तों, ठीक है तो डी निकालेंगे दोस्तों क्या करना पड़ेगा समझिए दोस्तों कि प्रथम पद क्या करना पड़ेगा सेकेंड दूसरा पद क्या क्या बनेगा प्रथम पद को घटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है तो क्या करना है ए टू माइनस ए वन दोस्तों कर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ए टू से कितना दोस्तों आपको दिया हुआ ए टू दिया हुआ 5/3 दोस्तों, ठीक है माइनस कितना दोस्तों आपका हो जाएगा 1/3 दोस्तों, ठीक है तो क्या करेंगे दोनों को दोनों के एलसीएम दोस्तों लेंगे तो कितना 3 का 3 दोस्तों आएगा, तो 5 में से 5 उतारेंगे माइनस तो 1 का 1, ठीक है जो क्योंकि दोनों का हर सेम दोस्तों, ठीक है तो 5 में घटेगा 1 दोस्तों कितना बचेगा आपका 4/3 बचेगा दोस्तों, आपका ये हो गया दोस्तों आंसर दोस्तों, ठीक है तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है जहाँ भी दिख रहा है आपको 4/3 उसको आप सही दोस्तों ऑप्शन मार दीजिए समझे गए ना, ठीक दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6 में दोस्तों कि अर्थ त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ठीक है बच्चों पहला ऑप्शन आपका है कि ए नंबर है पाई आर स्क्वायर दोस्तों, बी नंबर है आई आर, सी नंबर है 2πr बच्चों, डी नंबर है 2πr स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपको क्षेत्रफल दोस्तों पूछेगा तो त्रिज्या का क्षेत्रफल दोस्तों इसके दोस्तों क्या होता है कि उसमें आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सही दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है पाई आर स्क्वायर सबका होता है सही दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन 7 क्या समझे दोस्तों बोल रहा कि निम्नलिखित प्रेम संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शान दोस्तों, पूछेगी दोस्तों
सो कौन सा बच्चों शांत बच्चों रहेगा, ठीक है। तो शांत आसान पहचाने का तो मेन तरीका सो क्या होता है समझिए आपकी, शांत रहेगा उसमें, शांत प्लस शांत लो समझते सो, ठीक है। शांत का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या समझिए कि जब सो शांत रहेगा दोस्तों प्रसाद दोस्तों क्या होगा उसमें, उसमें आपका हर हर का अभाज्य दोस्तों, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m, या फिर दोस्तों ठीक है 5m गुना 2n के रूप का होगा दोस्तों, ठीक है। बच्चा का इस रूप का आपको दिखे तो हर में दोस्तों, ठीक है। तब बच्चों क्या होगा आपका दसवें प्रसाद दोस्तों शांत होगा, अनथा बच्चों आपको नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपका चार ऑप्शन दोस्तों दिख रहा था समझेंगे ना, तो बच्चों इसको अगर हम तोड़ देते हैं सेक्शन ए दोस्तों, तो ये भी बच्चों मेरा नहीं दिखेगा दोस्तों, कैसे समझिए ए नंबर आपको ये दिखा क्यों नहीं। तो 17 दोस्तों क्या करेंगे, 2 के पावर लिख पाते हैं हम लोग 3 दोस्तों, ठीक है। तो जो खाली सिर्फ देखिए 2 ही आ रहा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या 5 रहेगा तभी बच्चों दसवें प्रसाद तो शांत होगा दोस्तों। दूसरा जो बी ऑप्शन दोस्तों है, जो आज ऑप्शन आपका डी दोस्तों है, दोनों में से आपका जो बुक में जो गलती क्वेश्चन तो छाप दिया है, मतलब क्वेश्चन पेपर दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में से बच्चों ये सब में से चारों में से कोई भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर होगा ही नहीं समझेंगे बच्चों, इसका ऑप्शन आपको ढूंढना है पर तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन ही सारा गलत दे दिया है वो ऑप्शन दोस्तों, समझेंगे ना। इसलिए बच्चों इसको इसका आंसर तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो दस नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कि 96 और 404 का मासा SCF क्या होगा दोस्तों, बोला क्या समझिए दोस्तों। 96 और 404 का आपका निकालना है मासा, यानी कि SCF निकालना है दोस्तों, क्या होगा, ठीक है समझिए। ठीक है दोस्तों, बोला गया क्या कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग इसका निकाल लेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड से कर लेंगे, ठीक है। तो किसे कटेगा 96 देखिए दोस्तों, कट जाएगा आपका 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 4 दोनों से हो जाएगा 8, और दोस्तों हो जाएगा 9 दोनों 8 दोनों हो जाएगा 16 दोस्तों, ठीक है। फिर कटेगा 2 से तो 2 दोनों 4, 4 दोनों 8 दोस्तों, ठीक है। फिर तो 200 कटेगा 2 का 2, 2 दोनों 4 दोस्तों। फिर दोस्तों कटेगा 2 से 6 दोनों 12, दोस्तों कटेगा आपका 2 से कट जाएगा 2, 2 दिए 6, फिर कटेगा 3 से 3 का 3 दोस्तों, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिख लेंगे हम इस तरह से कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड दोस्तों क्या होता है समझिए, 96 का भाई दोस्तों कि 2 के पावर से कितना आपका है देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों, देखिए 2 के पावर से हो जाएगा 5 गुना से हो जाएगा 3 का 3 दोस्तों, ठीक है। आपको 96 चाहिए आपका निकल गया अभाज्य गुणनखंड, समझिए दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों 404 का भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 404 का भी निकालते थे दोस्तों कि पैसे निकालता 2 से, ठीक है। तो 2 दोनों 4 हो जाएगा 0, 0, 2 दोनों 4 दोस्तों, ठीक है। फिर निकाल 2 से दोस्तों कितना हो जाएगा 2 का 2, 0, 0, फिर 2 का 2 दोस्तों, ठीक है। बच्चे आप कितना निकाल गया समझेगा ना, तो इसका भी निकल गया दोस्तों कि 404 का अभाज्य कितना हो जाएगा समझिए, 404 आपको लिखना बच्चे उसको क्या करेंगे, 2 बच्चों कितना बार 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुना सो कितना हो जाएगा आपका कि 101 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों निकालना है यहाँ पर SCF का निकालना से H, इसलिए हमको इसको निकालना है SCF दोस्तों, ठीक है। यानी कि मासा से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो जो बच्चे इसमें मिल जा रहा है बच्चा वही तो आपका SCF हो जाएगा, समझे कहने। देखिए तो क्या कह रहा है कि आपका देखिए इसमें तो कितना 2 बच्चे, इसमें देखिए आपको 2 लिखा हुआ था 5 ठो, इसमें तो कितना 2 ठो बच्चों, ठीक है। तो क्या चाहिए इसमें देखिए 2 ठो बच्चे, इसमें 2 ठो क्या मिल जाएगा समझे कहना। तो कितना से बनेगी आपको 2 के पावर 2 से हो जाएगा बराबर से कितना हो गया दोस्तों आपका 2 दिन 4 दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों 4 के हाँ ऑप्शन बच्चों उसको आपको तो ऑप्शन नंबर डी को सही मारिए समझे कहना, कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही दोस्तों 4, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों से, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दोस्तों आप, ठीक है। आदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो दीर्घा बहुपद क्या होगा दोस्तों, ठीक है। बोला क्या समझिए दोस्तों कि अगर हमें इसका शून्यांक दोस्तों जो है सो योग शून्यांकों का योग दोस्तों 0 है और गुणनफल कितना है अगर √5 है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका निकालना हमको बहुपद दोस्तों, तो बच्चों बहुपद कौन सा होगा उसमें 4 में से, ठीक है। दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर कि शून्यांकों का योग दोस्तों, ठीक है। शून्यांकों का योग दोस्तों बराबर फॉर्मूला दोस्तों होता है कि अल्फा प्लस दोस्तों होता है बीटा दोस्तों, ठीक है। बराबर दोस्तों कितना होता है आपका 0 दोस्तों हो गया, समझे गए ना। तो बच्चे क्या करेंगे आपको समझिए कि अल्फा बीटा बराबर 0 होता है, समझे गए ना। तो आपको देखिए 0 दोस्तों दे दिया है, फिर क्या बोला गया समझिए दोस्तों, बोला गया इस तरह से कि शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों, ठीक है, गुणनफल दोस्तों कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, बराबर से कितना हो गया √5, ठीक है। तो बच्चे समझिए क्या करना आपको सिंपल से, इसमें बहुत ही ये को बराबर बराबर से होता है -b/2 होता है कि बेटा ये दोस्तों होता है, फिर दोस्तों क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला सूत्र दोस्तों होता है c/2 ये होता है, ठीक है बच्चों समझेंगे ना।
सही बेटा, जब ये ठीक है क्या सो आपका वन देखिए छुपा हुआ, ठीक है, तो इसको किसका भी नीचे तो क्या आपका वन छुपा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो जब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दोस्तों लिखेंगे ए बराबर सो किधर, देखिए ए बराबर सो दिख रहा है आपको ए वन होता है, ठीक है। तो ए बराबर तो आपका वन हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर के बी बराबर सो कितना दिया आपका, देखिए बी बराबर सो दिया हुआ आपका है जीरो दोस्तों, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, बी बराबर सो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सी बराबर दोस्तों क्या लिखा हुआ आपको, सी बराबर देखिए दोस्तों लिखा हुआ रूट फाइव, ठीक है। तो जो रूट यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना फाइव, समझेंगे ना। तो उसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग कि दीर्घा बहुपद, दीर्घात बहुपद, दीर्घा बहुपद दोस्तों क्या फॉर्मूला सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों होता है बी एक्स प्लस दोस्तों सी दोस्तों, कितना यहाँ पर ए के वैल्यू का वन है, तो यहाँ पर वन आपका छुप जाएगा, आपको कोई दे को फर्क नहीं। प्लस दोस्तों कितना है, बी का वैल्यू दोस्तों आपका जीरो होता है दोस्तों, ठीक है। तो बी का वैल्यू दोस्तों आपका जीरो गुना तो आपको आपका जीरो हो गया, ठीक है। प्लस तो क्या हो गया, प्लस का प्लस सी का वैल्यू आपका रूट दोस्तों फाइव हो गया, ठीक है दोस्तों। समझिए आगे और कि जब एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो जीरो से गुना करेंगे एक्स को तो क्या फाइनली तो यहाँ पर जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो आपका हो जाएगा रूट फाइव दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे क्या करना होगा उसकी, कि एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों आपका बच जाएगा कि रूट फाइव दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इस तरह आपको कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव दोस्तों, देखिए आपको ऑप्शन बच्चों आपको दिख रहा है वन दोस्तों, जो ऑप्शन होगा जो वन का हम कि ए नंबर आपका सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होते हैं। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर का भिन्न भिन्न से शून्यंक क्या बच्चों, बच्चे बोल रहा है इसमें कि इसका भिन्न से शून्यंक दोस्तों क्या होगा, समझे बच्चे, इसका शून्यंक से निकालना आपका दोस्तों, ठीक है। तो फिर पहले क्या करेंगे समझिए, पहले आपको एक क्या करना है क्वेश्चन को तो यहाँ उतार लेना, ठीक है। क्या करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस तो क्या हो गया माइनस, तो सॉरी एक्स माइनस फोर दोस्तों, ठीक है। बच्चों को ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों समझिए, कि जब भी इसको निकालने बच्चों बोलेगा तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, तो तीन चौक क्वेश्चन बारह हो गया आपको, ठीक है। तो बारह जो है लिख देना है, समझेंगे ना। बच्चे इसका इसको क्या करना है कि अब हाथ जो सो गुणांकन करना है कि बच्चों एलसीएम, तो दो से कटेगा दो, ये बच्चों हो गया कितना आपको छः हो गया, फिर से कटेगा दो से तीन सौ छः हो गया, फिर करेगा तीन सौ, तीन का तीन दोस्तों हो गया, समझे गए ना। तो बच्चे अब इसको इस तरह से सेटिंग्स तो करेंगे, कुछ गुना करने पर आना चाहिए बारह दोस्तों, समझे गए ना। और दो घटा करने पर तो आना चाहिए आपको, आना चाहिए माइनस वन दोस्तों, ठीक है, समझे गए ना। घटाने पर आना चाहिए माइनस वन दोस्तों, समझे गए ना। तो दो दिन चार दोस्तों को लिख देते हैं, तो चार में से घटा देते हैं अगर दोस्तों हम लोग, क्या करते हैं घटाते हैं तीन दोस्तों, कितना बचेगा, तो माइनस वन बचेगा, ठीक है। अगर हम लोग माइनस चार को गुना करते हैं तीन दोस्तों, कितना होगा, चाहती है बच्चों बारह, बच्चों को मेरा आ जा रहा है। तो बच्चों क्या होगा कि इस बच्चों को सेटिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या करें, सेटिंग करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो थ्री एक्स स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा फोर एक्स माइनस तो थ्री सॉरी प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस तो हो जाएगा फोर दोस्तों, ठीक है। बच्चों आपको इस तरह से बनाना है, समझे गए ना। बराबर दोस्तों जीरो यहाँ पर दोस्तों बराबर आप जीरो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे गए ना। बच्चों की दोनों में से कौन सा कॉमन आएगा, बच्चों उसको कॉमन निकाल लीजिए आप, समझे गए ना। जो कि दोनों में से एक्स से बच्चों आपको मिल जाए, एक्स को क्या कह दीजिए कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। बच्चों यहाँ क्या बचेगा, एक्स तो निकाल दिए बाहर, तो क्या बचेगा थ्री बचेगा, एक ठो यहाँ पर एक्स बच जाते हैं, एक्स एक लिख देना, ठीक है। तो माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स तो निकाल दिए बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा आपका फोर बचेगा, तो फोर आपको लिखना दोस्तों, ठीक है। फिर तो क्या करना समझिए दोस्तों, कि आपका थ्री एक्स बच्चों यहाँ पर क्या माइनस फोर दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, समझेगा ना। तो क्या करना आपको यहाँ पर, सिंपल बच्चों आपको यहाँ पर वन का कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चे वन को जब गुना करेंगे थ्री एक्स, तो थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस का तो माइनस, जब तो वन को गुना करेंगे फोर से, तो कितना जाएगा आपका, तो फोर ही हो जाएगा, ठीक है। बराबर तो आपका जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर तो क्या करेंगे, देखिए दोनों में से आपको जो मिल जा रहा दोस्तों, तो कोई भी एक को आप बाहर आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। निकाल दिए बाहर दोस्तों, फिर क्या करेंगे इसको और इसको दोनों मिला के दोस्तों लिख देना आप, तो एक्स प्लस वन दोस्तों आपको लिख देना दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आगे समझिए क्या करना है उसकी, और कि इसको तो बराबर जीरो होता है, ठीक है। तो फिर एक बार क्या करना है कि इसको पूरा को जीरो लेना, फिर एक बार इसको इसको भी जीरो लेना, ठीक है। थ्री एक्स माइनस वन माइनस फोर बराबर तो कितना जीरो तो हो गया, या फिर दोस्तों ठीक है एक्स प्लस वन बराबर तो आपका जीरो होता है, ठीक है। तो थ्री एक्स तो इसको ले जाएंगे इस साइड, हो जाएगा बराबर तो फोर हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस बराबर तो माइनस दोस्तों आपका वन हो गया, ठीक है। बच्चों फिर क्या करें, यहाँ पर निकालना आपको एक्स का वैल्यू, ठीक है। फिर इसको क्या करें कि वन का फोर दोस्तों हो जाएगा, और थ्री से जाएगा आपका भाग में दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों की एक्स का वैल्यू से निकल गया आपका, ठीक है। निकला दोस्तों फोर बटा थ्री से निकल गया, तो यहाँ पर निकला दोस्तों कि एक्स बराबर माइनस वन दोस्तों, ठीक है। बच्चे दो वैल्यू आपको तो मिल गया, दो बच्चों शून्यंक दोस्तों आपको मिल चुका, तो इस तरह आपको यहाँ लिख देना है कि अंत में कि अंत शून्यंक, ठीक है बच्चों। शून्यंक तो कितना हो जाएगा माइनस वन और फोर बटा थ्री दोस्तों है, ठीक है। फोर बटा थ्री दोस्तों है, ठीक है बच्चों। इसका जो आपका ये आंसर दोस्तों फाइनलिस्ट तो हो चुका है, ठीक है। चलते सुनिया आदि विभांतर डी बराबर
70 हो तो उसमें से मूल क्या दोस्तों होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब भी डी बराबर आपको 70 होगा दोस्तों, तो आपका मूल क्या होता है कि ऑप्शन बच्चों 20 सही दोस्तों होगा, ठीक है। वास्तविक और समान दोस्तों होता है, यानी कि बच्चों वास्तविक और समान होगा दोस्तों, ठीक है। असमान दोस्तों को वास्तविक और असमान मूल दोस्तों होगा, समझे क्या। तो बच्चों बी आपको सही दोस्तों मारी का। चलते सर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन हुआ आपका 12 दोस्तों, ठीक है। देखो क्वेश्चन 12 क्या क्या समझ दोस्तों, बोल रहा कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या दोस्तों, मुझे बोला क्या। अगर कोई भी आपका त्रिभुज का कोण अगर कोण का मान अगर थीटा सॉरी कटे तो टेन थीटा वाला क्या होता है, तो पी बटे बटे बी होता है दोस्तों। पी बटे बी मतलब दोस्तों समझ गए आप लोग कि दोस्तों होता क्या, समझिए फाइनली दोस्तों हो जाता है आपका लिए लम बटा सो आधार आपका दोस्तों हो जाएगा सही दोस्तों इसका, ठीक है। पहला आप समझो सही मारने का लम बटा सो आधार होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों समझिए आप कि जब भी इस तरह का त्रिभुज दोस्तों जब बनता है, ठीक है, तो क्या होता है कि सामने वाला दोस्तों हो जाता है इस तरह, जहाँ हो जाएगा आपका थीटा फिर दोस्तों, ठीक है, समझे क्या। तो जस्ट बच्चों इसका जो यहाँ पर तो रहता है बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर सबका कर्ण दोस्तों होता है, ठीक है। क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो इधर आपका होता है लम दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आधार होता है, ठीक है दोस्तों। तो बोला कि यहाँ पर कि त्रिभुज का मान दोस्तों पूछा गया, तो बच्चों क्या होता है लम बटा दोस्तों आपका आधार दोस्तों। जो पहला ऑप्शन बच्चों को सही मारी जो तेरह दोस्तों, क्या बस समझ रहे दोस्तों क्या दिए गए आकृति में डी ई बराबर बी सी है, निम्नलिखित में डी सी का मान ज्ञात के बच्चों बोला क्या। देखिए आपको ये आपको जो साइन दिख रहा है उसको ये बराबर का साइन दोस्तों, ठीक है। आने बच्चों क्या है कि डी ई जो है सो आपका डी ई कहाँ बच्चों समझिए डी और ई बच्चों, ठीक है। डी ई जो आपका जो बराबर किसका है तो बी सी उससे बराबर, तो चौक डी सी निकालना, ठीक है। डी और सी दोस्तों आपको ये चौक को फाइंड करना सो, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम फाइंड दोस्तों करते हैं अभी अपने साथ मिलकर सो, ठीक है दोस्तों। बना चुका हूँ, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि ए डी दोस्तों कितना आपका होता है कि डी ई दोस्तों किसके बराबर दोस्तों बराबर था दोस्तों, ये आपका था तो बी सी दोस्तों बराबर था, समझे बच्चों। आपको फाइंड करना था दोस्तों, क्या फाइंड दोस्तों करना था आपको, तो आपको फाइंड करना था डी सी बच्चों को निकालना सो, ठीक है। तो बच्चों किस तरह क्या करना आपको कि यहाँ पर लिखना है चूँकि क्या होता है ए डी, ठीक बच्चों ए डी बटा सो हो गया आपका डी सी दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है डी सी आप ही बच्चों सी डी को भी लिखो तो कोई दिक्कत आपको नहीं दोस्तों, ठीक है। डी सी हो गया बराबर से क्या हो गया आपका ए ई दोस्तों, ठीक है। तो ए ई बटा सो होगा आपका ई बी दोस्तों, ठीक है। यानी कि जब बी ई लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है ए डी बच्चों वैल्यू कितना दिया आपको, ए डी का बच्चों वैल्यू आपको दिया हुआ वन दोस्तों। तो बच्चों आपको सिंपल आपको यहाँ पर वन भर सकते हैं, ठीक है। बटा सो होगा आपका डी सी दोस्तों, डी सी आपको जो निकालना डी सी बच्चों को छोड़ देना बराबर से कितना हो गया दोस्तों ए ई आपको दिया हुआ है 1.5, तो बच्चों 1.5 दोस्तों, ठीक है। बटा सो हो गया बी सी दोस्तों बी दोस्तों, ठीक है। बी बच्चों कितना है बी ई आपको 300 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों करना आपको, ठीक है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा आपका, तो 300 हो जाएगा बराबर से कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा तो डी और सी दोस्तों हो जाएगा गुना से 1.5 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे डी सी बराबर से क्या हो जाएगा आपका कि 3/1.5 तो ये ऊपर चला जाएगा भागम दोस्तों, तो भागम दोस्तों चला गया, ठीक है। बच्चे क्या करें पॉइंट के पहले हर लाइन बच्चे ऊपर चल जाएगा आपका 10 दोस्तों, ठीक है। जो काटे उसको काट देंगे 3/5 15 5/5 दोस्तों 10 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आपका कट गया इतना दोस्तों, ठीक है। कटने के बाद दोस्तों क्या हो गया कि आपका 2 बच्चों डी सी बच्चों निकल गया दोस्तों, आपका 2 निकल गया, ठीक है। ऑप्शन जहाँ पर आपको दिख रहा है 2 दोस्तों वहाँ आपको सही से मार देना दोस्तों, समझे ना। तो चलिए बच्चों आपको 2 को सही मारिए आप, ठीक है। कितना x1, y1 दोस्तों, ठीक है। और बी एस हो गया कि x2, y2 दोस्तों, ठीक है। को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को m1 और अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से अभिभाजित करने वाले बिंदु पी एक्स वाई दोस्तों का निर्देशांक है तो निम्नलिखित में विभाजन सूत्र क्या दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। समझे बच्चों बच्चे इसका विभाजन सूत्र आपको हो जाएगा इस तरह से कि दोस्तों इसके लिए भी ऑप्शन बच्चों आपका ये सही दोस्तों हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 = आपका ये m1 + m2 दोस्तों, ठीक है। फिर कॉमर्स हो जाएगा m1 × y2 + हो जाएगा m2 × y1 दोस्तों, ठीक है। बटा सो जाएगा आपका m1 + m2 दोस्तों, बच्चों का ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 15 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बोल रहा क्या है कि कॉस 60 डिग्री का मान दोस्तों क्या, बच्चों कॉस 60 डिग्री दोस्तों मान क्या होता है जानते हैं आप लोग। तो बच्चों साइन 60 और कॉस 60 को बच्चों लोग मान तो अच्छी दोस्तों बात करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है आपको देखिए इसमें तो ऑप्शन आपका ये दोस्तों सही हो जाएगा, समझे बच्चों। जो कॉस 60 डिग्री मान दोस्तों आपका होता है 1/2 दोस्तों, समझे। साइन दोस्तों आपका 60 डिग्री मान होता है 3/2 दोस्तों होता है, ठीक है। तो बच्चों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये नंबर दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 16 नंबर दोस्तों, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं बोल रहा है कि
1090 माइनस थीटा बराबर तो होता है 1090 में थीटा बराबर तो क्या होता है कॉट थीटा होता है क्या दोस्तों कॉट थीटा होता है ठीक है दोस्तों कॉट थीटा कहाँ से दिख रहा है दोस्तों देखिए आपको तो कॉट थीटा आपको दोस्तों कहाँ पर दिख रहा है 25 में जो उसका ऑप्शन बच्चा आपका ये नंबर जो सही दोस्तों होगा ठीक है कारण कि कॉट थीटा दोस्तों ठीक है जो आपको देखिए आपको गलती से तो क्या किया कि प्लस साइन सो लग गया जब प्लस साइन आएगा तो नहीं रहेगा तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका सही दोस्तों होगा अन्यथा बच्चों दोनों में से कोई भी ऑप्शन बच्चों चारों में से सही दोस्तों नहीं होगा समझे बच्चों चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपको 17 दोस्तों ठीक है बारे समझिए दोस्तों बोल रहा है कि कौन थीटा वाले तेजखंड का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है ठीक है बच्चों पहला ऑप्शन आपका है थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 180 बी दोस्तों ऑप्शन आपका है थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 दोस्तों तीसरा नंबर आपका सी नंबर दोस्तों थीटा 2 पाई आर बटा 680 डी नंबर सबका है कि थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 90 दोस्तों ठीक है तो बच्चे इसमें सही सो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका नहीं बच्चों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ठीक है यानी कि थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 दोस्तों आपको सही दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 18 दोस्तों ठीक है दोस्तों क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है समझिए कि इनमें से शंकु का क्षेत्रफल दोस्तों क्या है ठीक पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है पाई आर एच दोस्तों दूसरा बी नंबर ऑप्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों सी नंबर सबका है कि पाई आर एल दोस्तों डी नंबर आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों ठीक है बच्चे इसमें सबको सही से ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन में बच्चे आपको सी दोस्तों सी थ्री सही दोस्तों ठीक है पाई आर एल दोस्तों ठीक है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका 19 दोस्तों आप ठीक है क्या बोल समझिए दोस्तों बोल रहा कि वर्ग अंतराल 340 वर्ग चिन्ह क्या दोस्तों बच्चे भी लगा दोनों बच्चे बीचों का वर्ग चिन्ह दोस्तों क्या होगा ठीक है तो बच्चे इसको निकालने बहुत सिंपल तरीका सबका है कि जब भी दोनों निकालने से वर्ग चिन्ह दोस्तों बोलेगा दोनों को क्या करिए आप जोड़ दे दोस्तों ठीक है 30 प्लस तो आपका 40 कितना हो जाएगा आपका ये तो 70 हो जाएगा बच्चों ठीक है तो दोस्तों क्या करिए आपके 70 से फिर आगे सौ 70 क्या करिए आप 2 से बच्चे उसको भाग कर दे दोस्तों ठीक है बच्चे 35 तो क्या 35 बच्चा ऑप्शन आपका 20 दोस्तों दिख रहा है तो बच्चे 35 आपको सही से मार देना ठीक है बच्चों तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आप 20 नंबर दोस्तों ठीक है बोल रहा क्या कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक पत्ता निकल जाता है ठीक है तो इक्का की प्रायिकता क्या है दोस्तों बच्चों इक्का की प्रायिकता दोस्तों क्या है बच्चों क्या हो रहा है एक गड्ढी में दोस्तों क्या है कि 52 को ताश करो तो पत्ता ठीक है उसमें तो एक ठो निकाल दे बच्चों कितना बच्चों उसमें बच्चे का दोस्तों पत्ता ठीक है तो बच्चों 1/ आपका 52 दोस्तों ऑप्शन हो सी दोस्तों सही जो है क्या कि प्रश्न संख्या 21 से 30 तक रिक्त स्थान बच्चों आपको भरना है बच्चों तो ये बच्चे क्वेश्चन 21 में क्या है आपका किसी प्रेम संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं होता तो ठीक है तो आवर्ती होता बच्चों तो बच्चों बोल रहा क्या अगर 2n को 5 को नहीं दोस्तों बच्चों कैसा होता तो बच्चों अशांत आवर्ती बच्चों आपको एक पहले बता चुके दोस्तों ठीक है दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका 22 दोस्तों ठीक है 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घा बहुपद ax2 + bx + c है और इसके शून्यांक अल्फा है और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों क्या होगा ठीक है बच्चे बोला क्या कि आपका जो इस तरह से दिया था इसका अल्फा तो क्या होगा ठीक है तो बच्चों आपका होता क्या जानते हैं इसमें आपका होता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका -b + 2 आपका ए दोस्तों हो जाएगा ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बच्चों को यहाँ पर भर देना आपको ठीक है -b / a दोस्तों आपको यहाँ भर देना दोस्तों ठीक है चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका 23 दोस्तों ठीक है दोस्तों क्वेश्चन 23 क्या कहते हैं दोस्तों बोल रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल तो होता है दोस्तों बच्चों तो भाज्य दोस्तों क्या होता है कि भाजक गुना भागफल प्लस दोस्तों होता है आपका शेषफल दोस्तों आपको शेषफल आपको क्या करना आपको मार देना सही दोस्तों ठीक है शेषफल तो आपको यहाँ क्या करना है लिख देना सो ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आप 24 दोस्तों ठीक है दोस्तों 24 क्वेश्चन क्या कहना समझिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है और सर्वांतर डी है तो इसका एनवा पद दोस्तों होता है समझे बच्चों देखा क्या कोई भी सर्वांतर श्रेणी आपको दोस्तों ठीक है उसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्रथम पद ये दिया हुआ है सर्वांतर डी तो उसको एनवा पद से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं इसके आंसर दोस्तों क्या कहिए आप किसी बच्चों इसको आप भर दीजिए यानी कि a+(n)(n-1) तो गुना डी दोस्तों ठीक है बच्चों इसको पूरा क्या कहिए इसमें आप डाल दीजिए सही बच्चा हो जाएगा आपका ठीक है तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 दोस्तों क्या बोल समझिए बोल रहा है कि 25 दोस्तों क्या समझिए बोल रहा है क्या कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों को भरिए दोस्तों बच्चे पहले क्या आपका 2 दोस्तों फिर आपको यहाँ पर बच्चों खाली जाएगा ठीक है 26 फिर से ब्रैकेट आपको दिया जो अंक क्या कर समझिए कि AP के प्रथम n पदों का योग s होता है तो बच्चों समझिए कि आपका s जब होता है बच्चों n पदों का आपका प्रथम n पदों का योग s निकालना ठीक है दोस्तों इसका सही से आपका हो जाएगा कि देखिए इसमें तो क्या करना है कि बच्चों आपका ये आपका सही दोस्तों हो जाएगा ठीक है आगे पहला नंबर जो दिख रहा है आपको
जिसको आपको डाल देना सिंबल। तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका 27 दोस्तों, ठीक है। पता क्या बोल रहा है, विद्या ध्यान प्रेम को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो को हम बोलते हैं थेल्स प्रेम है दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं थेल्स प्रेम है, ठीक है। तो जिसको आप भर दीजिएगा, चलते हैं जिससे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका है अब 28 दोस्तों, ठीक है। वो बोल रहा है अठारह क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन में कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या बच्चों कहते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग वृत्त का स्पर्श रेखा बोलते हैं, कहते हैं स्पर्श बिंदु दोस्तों बोलते हैं, स्पर्श बिंदु को क्षेत्रक बिंदु से कहते हैं, स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु से कहते हैं, ठीक है। छूने वाले से बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका है जो 29 दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होती है बच्चों, ठीक है। चाप की लंबाई से क्या होती है आपका दोस्तों, इसमें जो आंसर आपका ये दोस्तों, ठीक है, थीटा पाई आर बटा 180 दोस्तों आपका हो जाएगा सही दोस्तों आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों लास्ट दोस्तों आपका है क्वेश्चन आपका 30 दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों होता है दोस्तों, ठीक है। बच्चे की आपका एग्जाम में आते हैं आपका सूत्र ही दोस्तों पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। आप सूत्र को एक्स कर लीजिएगा उसमें, ठीक है ना। आंसर दोस्तों को हो जाएगा ये पाई आर ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू दोस्तों गुना आपका एल दोस्तों हो जाएगा। बच्चों को इसको क्या करना है यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। बच्चों को सही से आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चलते हैं तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर से कमेंट करना ना बोले सो, ठीक है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है।